हम जयपुर से आ रहे हैं, शुक्रवार को चले थे 1 बजे। जब हम घर से निकले जयपुर अपने कमरे से, तो नहीं वहाँ राशन पानी मिल रहा था और नहीं कुछ मिल रहा था। रूम वाला मकान मालिक बोल रहा है हमें किराया दो, हमारे पास पैसे नहीं हम दे पाएंगे, और नहीं उनको राशन वाला राशन बंद कर दिया। फिर हम लोग 2-3 दिन भूखे रहे, तो फिर हम लोग सोचे चलो पैदल निकलते हैं। पैदल निकलने के बाद जब हम बीच में आए, तो कम से कम 1 दिन पूरा दिन चले, शुक्रवार और शनिवार 12 बजे। उसके बाद ट्रक हमें मिला, तो बीच बीच में ट्रक भी हमें कवर करते गया। कहाँ जाना है आपको? हमें बिहार जाना है, बेतिया जिला, और कुछ हमारे साथ में बाघा के भी है लोग। हम लोग हैं 40, हम लोग थे 60 आदमी। कि हम जयपुर से आए हैं, हम लोग के मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा था, मांग रहा था कि पैसा दो, पैसा मेरे पास नहीं है, राशन उशन ही नहीं था, खाने के लिए ही नहीं था, तो हम लोग क्या करें। चले आए यहाँ कुछ पैदल, हम बच्चा को लेकर अपना इधर आ गए हैं, जयपुर से जाना है हम लोग हरिनगर, यही बात है। बच्चा छोटा छोटा लेकर के यहाँ आ रहे हैं, कभी टांग करके कभी चला करके, यही बात है। लॉकडाउन के बाद लोग घरों को पलायन कर रहे हैं, जो बड़े शहरों में रहकर मजदूरी करते थे, अपने पेट की आग को बुझाते थे, उनके सामने तमाम समस्याएं खड़ी हो गई। एक तरफ मकान मालिक कहता हमें किराया दीजिए, दूसरी तरफ पेट की आग को शांत करने के लिए कुछ पैसा चाहिए जिससे वो राशन खरीद सके, लेकिन न उनके पास पैसा है जिससे राशन खरीद सके और न मकान मालिक को किराया दे सके। ऐसे में ये लोग अपने शहर को छोड़ के जहाँ ये काम करते हैं, अब घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद रेलवे लाइन पकड़ के जाने वालों की संख्या रोज़ सैकड़ों की है, करें क्या? ये आज हमारे पीछे जो ये लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, लगभग दर्जनों की संख्या में इस बागीचे में आराम कर रहे हैं। ये जयपुर से चले हैं, किसी को हरिनगर जाना है, किसी को बगहा जाना है, किसी को और आगे यानी बिहार में इन्हें जाना है। कुल 1200 किलोमीटर की दूरी इन्हें तय करनी है, और अब तक 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुके हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, किस कदर ये परेशान हैं। इनसे हमने बात किया और आपने सुना भी, सरकार तो तमाम वादा कर रही है, तमाम दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन वो वादा और दिशा निर्देश दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पटल पे। ऐसे में इन्हें जन सहयोग की आवश्यकता है कि लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएं और सहयोग करें। आप देखते रहिए यूपी अब तक।